भाद्रपद महीने की पूर्णिमा यानी कि 20 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और यह पितृपक्ष 15 दिनों तक चलेंगे। इस दौरान पितरों को तर्पण करके उनसे आशीर्वाद लिया जा सकता है। पितरों के आशीर्वाद से जिंदगी में खुशियां और सफलताएं आती हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व होता है और कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका श्राद्ध ना किया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए हर साल पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण के बाद पितर खुश होकर अपने बच्चों और परिवार का आशीर्वाद देते हैं। पितरों को खुश करने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए आपको कुछ उपायों को ध्यान में रखना होगा। ऐसा मिलेगा पितरों का आशीर्वाद। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष में आपको ऐसे काम करने चाहिए जिनसे वे खुश और प्रसन्न हो जाएं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूरे मन से दान और पुण्य करें। जिस दिन आपको आपके पूर्वजों की श्राद्ध तिथि हो उस दिन सोना चांदी घी तेल नमक फल मिठाई गुड़ का दान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कौवों और चींटियों को रोज खाना डालना चाहिए। मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में तिलों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसलिए श्राद्ध में इनका उपयोग करने पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आपको अपने पूर्वजों के निधन की तिथि नहीं पता है तो परेशान ना हो, ऐसे में आप सर्व पितृ श्राद्ध के दिन पितरों का पिंडदान करना चाहिए जो कि श्राद्ध के अंतिम दिन होता है। ध्यान रखें, अगर आप अपने पितरों को खुश करना रखना चाहते हैं तो श्राद्ध में कोई भी शुभ कामना ना करें क्योंकि ऐसा करने से पितर नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ ही परिवार के सदस्य अपने हाथ से दान करें और तिथि के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं। श्राद्ध के दौरान पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगें। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ भी करने से पहले एक बार अपने पंडित जी की सलाह या किसी ज्योतिष आचार्य की सलाह जरूर ले लें। साथ ही धर्म की और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल धर्म गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।